पोलिंग स्टेशन से 500 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगा दी गई, नहीं जाने दिया वोट डालने के लिए। उनके लोग जिन्होंने इन्होंने जो आधार कार्ड सबसे ले रखे थे उनके लोग आते थे, 15-20-25 गाड़ियां थी जिसके अंदर 10-10-20-20 लोग घुसे हुए थे, और वो आके उनसे वोट डाला करते थे। जगह सर ऐसी भी तस्वीरें देखने को कम्युनल नहीं हो सकता। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर लोग हैं उनकी तादाद बहुत है, उनकी तादाद बहुत है। कहीं वो लाडली बहन योजना के नाम पे वोट ले लेते हैं, कहीं राशन के नाम पे वोट ले रहे हैं, अपने काम के ऊपर कोई वोट उनको नहीं मिल रहा। तो देखिए, तमाम पिछले दो दिन से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको वो तथ्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों का तमाम लाखों करोड़ों व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। कई तमाम सवाल जो कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स में आ रहे थे, हम पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मंत्री जी के कि उन्होंने हमें वक्त दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कंट्रोवर्सियल टाइम में भी आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तमाम देश और दुनिया के अंदर इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है बहुत तमाम देश और दुनिया की निगाह इस वक्त संभल की तरफ है। सर मेरा पहला और अहम सवाल तमाम सवालों से हटकर कि क्या बाबरी मस्जिद के बाद, ज्ञानवापी के बाद, अब ये इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सारे जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही कि डाइवर्ट करने का मामला है या इस तरह की चीज़ें, इस पर आपकी पहली टिप्पणी और अहम राय क्या होगी सर? देखिए, देश के अंदर 2014 के बाद से बहुत वातावरण चेंज हो गया। यहाँ इस तरह के हो गया कि 80-20 की किनारे लगे, बटोगे तो कटोगे किनारे लगे, ये कभी सुनने को भी नहीं मिला था। अब इन लोगों ने यही प्रक्रिया, यही नियम बना लिया कि इस तरह के काम करते रहोगे तो हमारे वोट जो है हमसे जुड़े रहेंगे। अदरवाइज उन्होंने देखा कि अभी पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल हुआ है इनका, उससे ये घबरा गए। उनसे लग रहा है कि हमारा जो वोट है वो खिसक गया हमसे, तो उन्होंने घृणा की राजनीति में और दम डालने के लिए बटोगे और कटोगे नारे लगा लिए। मगर इससे कोई असर होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये रहेगा, और सरकार को 2027 में ही मालूम हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। अच्छा सर, ये जो अभी फिर जो 9 सीटें थी, 9 सीटों में से महज 2 सीटें आपके पास आई, 7 सीटें बीजेपी के पाले में चली गई, एनडीए के पाले में चली गई, तो ये चीजें जो मेरा सवाल था कि क्या उसमें जितने भी आपने आरोप लगाए कि मीरापुर की सीट की बात करें, अगर हम बात करें कि कुंदरकी की सीट की, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो उस पर आपका कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, आपके जो है पार्टी अध्यक्ष अखिलेश जी का भी एक आरोप था कि कहीं ना कहीं आपके वोटर्स को रोकने की कोशिश की गई, तमाम चीजें, और उन तमाम जो है मामलातों पर सवाल ना उठे उसके लिए डाइवर्ट करने की कोशिश है, क्या आप इस बात से सहमत है सर? देखिए, आप खुद देख रहे होंगे, देखिए कुलरकी सीट का आपने जिक्र किया, यहाँ पर करीब करीब 65% मुसलमान, तकरीबन 65% के आसपास है, तो 65% मुसलमान जहाँ होंगे वहां पर बीजेपी का निकलना ये अपने आप में खुद सवाल खड़ा करता है, क्योंकि 12 कैंडिडेट थे, 11 मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम। 11 में अगर डिवीजन हो जाता और वोट पड़ने के बाद में उसका यह रहता कि 11 के 11 के वोट बीजेपी से ज्यादा है, बीजेपी से ज्यादा निकलना है, इसका मतलब यह हमारा डिवीजन हो गया, इसलिए बीजेपी निकल गई। अब मैं ये नहीं मान सकता कि जो मैंने शुरू से देखा है कि मुसलमानों के जहां जहां वोट थे वहां पर सब लोगों के आधार कार्ड छीन लिए गए थे, ले लिए गए थे, वहां पर जो भी प्रोमिनेंट लोग थे उनको धौंसे दी जा रही थी। हमारा एक पूर्व प्रमुख था कुदरकी ब्लॉक का, उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट नहीं किया, उसको उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया क्योंकि हम उसके घर गए थे, उसकी मीटिंग की थी। ऐसे बहुत जगह गांव के अंदर जा जाकर इन लोगों ने, चेयरमैन वहां के कुदरकी के हैं, उनका बस्ता मंगा लिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी, तुम्हारे जो हम फाइनेंशियल पावर सीज करवा देंगे, इस तरह दबाव देकर इन्होंने ये काम किया। पोलिंग स्टेशन से 500 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगा दी गई, नहीं जाने दिया वोट डालने के लिए।
उनके लोग जिन्होंने इन्होंने जो आधार कार्ड सबसे ले रखे थे उनके लोग आते थे, 15-20-25 गाड़ियां थी जिसके अंदर 10-10-20-20 लोग घुसे हुए थे और वो आके उनसे वोट डाला करते थे। कई जगह सर ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली कि पुलिस को कोई राइट नहीं है आधार कार्ड चेक करने का, उसके बावजूद पुलिस ने भी कहीं ना कहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ग्राउंड के ऊपर क्या पोजीशन आ रही है। हमने तो ये देखा, हमने बहुत शिकायतें की ऑब्जर्वर के यहाँ से, ऑब्जर्वर की भी नहीं चली हमारे लोगों को, हमने कहा कि हम जहाँ जा रहे हैं हमसे पहले पुलिस पहुंच जाती है, बिठाना मत। तो सर ये देश इस तरह से हम ये कह रहे हैं, हमें कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। दो सीटें हम जीते हैं कहाँ, जहाँ यादवों का सबसे बहुत वोट था, जहाँ पर इनको कुछ करने की गुंजाइश नहीं, ये कर ही नहीं सकते थे, कहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों कानपुर में दोनों समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, जीती हमारी पार्टी, वहां कोई ऑप्शन था ही नहीं। यहाँ तो इन्होंने ऐसा किया, कैप्चर कर लिया। तो सर अब बाई इलेक्शन जो भी होते हैं मोस्टली हमने ये देखा वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी जीत होती है। इसके बावजूद हमारी दो सीटें निकल गई, इतनी बदमाशियां, इतना कैप्चरिंग, इतना टेरर बिठाने के बाद भी दो सीटें निकल गई। तो हम समझ रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे। सर अगर यही हालात रही तो मुझे नहीं लगता कि शायद जिस तरह के हालात अभी आ रहे हैं, चुनाव आयोग का मामला हो या जिस तरह की पोलिंग बूथ की तस्वीरें आ रही हो, कुछ शायद आपके लिए आसान हो। चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, चुनौतियां तो बड़ी होंगी, मगर जो धांधली इस बाई इलेक्शन में चली है तो उससे अधिकारी को यह रहा कि अभी 2.5 साल अगर ये सरकार रहेगी हमारा हशर ये खराब कर देगी, कहीं हम आज यहाँ हम डीएम है कल को हमें किसी ऑफिस में कुर्सी बिठा देंगे, एसपी अगर हमें तो कहीं बुरी जगह डाल देंगे। हर एक आदमी अपनी नौकरी बचा रहा था सर, आपके मगर जनरल इलेक्शन में ये चीजें नहीं होती। सर आपके ऐतिहासिक संबल की पहली बार इस तरह की तस्वीर पूरे देश और दुनिया के सामने जा रही है, तमाम मुझे बहुत अफसोस है। संबल बहुत ही मशहूर जगह है और बहुत ही पीसफुल जगह है और यहाँ के अधिकारी जो भी आता है वो जाते वक्त तारीफ करके ही जाता है यहाँ से, मगर पता नहीं किसकी नजर लगी। ये मैं समझता हूँ कि कुछ कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना संभल की जनता बहुत ही, बताइए 5-6 जाने चली गई, हमने उनके घर वालों से तो पूछे क्या हाल हो रहा है। कोई आप उसी बात पर, हम मृतक के, हम नईम के घर वालों से मिले, घर वालों ने अभी भी कहा कि जितने अफसोस हमारे मुस्लिम परिवार वालों को हो रहा है, इतने हिंदू परिवार वालों को हो रहा है नईम के मरने का, उन्होंने तीजा करा, ये बड़ी हैरत की बात है। जो देखिए हर जगह का हर आदमी जो है वो तो कम्युनल नहीं हो सकता, हर जगह कम्युनल नहीं हो सकता। अच्छा, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर लोग हैं उनकी तादाद बहुत है, उनकी तादाद बहुत है, कहीं वो लाडली बहन योजना के नाम पे वोट ले लेते हैं, कहीं राशन के नाम पे वोट ले रहे हैं, अपने काम के ऊपर कोई वोट उनको नहीं मिल रहा। सर क्या संबल के लिए तो मैं ये कहूंगा अल्लाह मियां संबल में शांति करा दे, और मैं संबल के आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि जुमा आने वाला है मेहरबानी करके जहां आप पढ़ते आए जुमे की नमाज वहां पढ़े, ये कोशिश न करें जामा मस्जिद में जाएंगे, जामा मस्जिद में जाने वाले जामा मस्जिद में जाए, मगर और मोहल्ले के लोग दूर दूर से लोग ना आए नमाज यहाँ पढ़े, यहाँ कोई कानून व्यवस्था भंग ना हो जिस तरह की। हाँ मतलब ये कि हमारे मोहल्ले हमारे जो है इस सरकार को ये मौका मिले ये मुसलमानी कराते हैं। सर पहले दिन सर्वे हुआ, शाम तक पूरा कोऑपरेशन था आपका, तमाम टीम का, तमाम चीजों का, सारी चीजें पॉजिटिवली हो रही थी, लेकिन फिर ये अचानक से तमाम उन्माद जो हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई ऐसा तथ्य प्रमाण प्रशासन नहीं दे पाई है जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो कैसे कहना चाहेंगे सर? क्या देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि वो क्यों किया गया, कुछ किसी ने कोई दिया होगा कि हमने सोहेल को देखा या उसको देखा, हमने हमारी फैमिली में कोई इस तरह के नहीं है। जब 19 तारीख का जब सर्वे हुआ था सुहेल वहां रहा है, पूरा उसने कंट्रोल रखा है, यहाँ के संभल के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे फोन करके इस बात हुआ कि मुझे सुहेल ने बहुत कोऑपरेट किया जिस वजह से कामयाबी के साथ ये सर्वे हो गया। देखिए बड़ी बात निकल कर आई है कि जहां पर एक FIR दर्ज की गई है सुहेल पर, उनके जिम्मेदार, मैं कहूंगा कि संभल के जिम्मेदार और पार्टी के गद्दावर नेता पूर्व मंत्री सब हमारे सामने, और एक बात देखिए कि खुद अपने वालिद को अपने पिता को फोन करके बताया वहां के प्रशासन ने कि बहुत अच्छे से कोऑपरेशन हुआ है।
तो उसके बाद अगले दिन ऐसा कौन सा तथ्य अभी तक पुलिस नहीं दे पाई है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस दिखा पाई है कि जिस पे ये एफआईआर दर्ज की गई है। खैर बहरहाल ये तमाम जांच के विषय हैं। तो सर मेरा आखिरी और अहम सवाल कि एक संबल की शाही जामा मस्जिद, लेकिन रडार में भी देश की बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक जो है मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाहें हैं। आप एक नेशनल नेता होने के वजह से, एक बड़ी पार्टी के गद्दावर नेता होने की वजह से, मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूँ सर कि क्या क्या दिशा निर्देश तय होनी चाहिए? क्या इंडिया इस पे मंथन करेगा बैठकर, या कल जो पार्लियामेंट में तमाम चीजें आएंगी सामने, क्या आपको लगता है सर, क्या कुछ थोड़ा सा देश को आश्वासन दीजिए किस तरफ जा रहा है भविष्य? देखिए अब इन लोगों से क्या उम्मीद करें। 1991 में कानून बना था, सन 47 देश के आजाद होने से पहले जो भी स्टेटस मंदिर और मस्जिद का रहा है सिवाय बाबरी मस्जिद के, उसमें कोई चेंज नहीं लाई जाएगी। इसके बावजूद भी चाहे वो काशी हो या मथुरा हो, वहां पर भी ये काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कमी, और एक ही आदमी, एक ही शख्स है, विष्णु जैन कौन है वो, जो आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इशारे पे चलता है, वो ही सब जगह करा रहे हैं। और अब भी ये यहाँ पर जो आया है सर्वे करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे 10 लोग थे, 20 लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे थे। आप बताइए, यहाँ आप सर्वे करने आए, नारे लगाने आए हो, आप उत्तेजना फैला रहे हो, हमें मौका दे रहे हो ऐसे लोगों को कि तुम हमारे जवाब दो इन नारों का। हमने कोई जवाब का नारा नहीं दिया। पुलिस को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए अभी तक जो 2700 अज्ञात लोग हैं और 7 नामजद हैं, उनके अंदर जो फहरिस्त है वो अगर आप देखेंगे डाउनलोड करके पीडीएफ, तो आपको बहुत सारी चीजें हमारे कहने की जरूरत नहीं क्लियर हो जाएंगी किस तरह से एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। खैर बहरहाल ये तमाम अहम सवाल थे जो आपके कमेंट्स में आए थे हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद। उम्मीद करते हैं काफी क्लेरिफिकेशन होगी। सर कोई आखिरी अहम मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे फोटो व्यूअर्स को? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से संबल की आवाम से ये अपील करूंगा कि भाई जो इस हादसे में जिनका इंतकाल हो गया उनकी मगफरत की दुआ करें, और आने वाले समय में जो 2 दिन के बाद में जुमा आ रहा है, अपने अपनी मस्जिदों में रहकर अल्लाह से उनकी मगफरत की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान संबल।